वेलकम टू योर चैनल वंदनास क्रिएशन। फिर से मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेके, साथ रहिए अंत तक। आज का मेरा टॉपिक है क्यूटिकल क्लीनिंग। क्यूटिकल यानी नाखून के ऊपर जो डेड सेल रहता है उसको क्यूटिकल कहते हैं। पहले नाखून के ऊपर मैं क्यूटिकल सॉफ्टनर लगा रही हूँ। क्यूटिकल सॉफ्टनर क्यूटिकल को नरम यानी सॉफ्ट करता है। जहाँ पे पार्लर का प्रोडक्ट मिलता है क्यूटिकल सॉफ्टनर आपको उस शॉप में मिल जाएगा। पार्लर में मेनिक्योर पेडिक्योर में क्यूटिकल सॉफ्टनर यूज होता है। क्यूटिकल क्लीनर से क्यूटिकल को साफ किया जा रहा है। सेम प्रोसेस से सभी नेल को किया जाएगा। क्यूटिकल क्लीनर भी पार्लर शॉप में आपको मिल जाएगा। देखिए कितना डेड सेल निकल रहा है। नेल से जब क्यूटिकल क्लीन या फिर कट करेंगे तो केयरफुली करना है आपको, नहीं तो नेल के आसपास जो स्किन होता है उसमें चोट लग सकता है। इस चैनल से आपको नेल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर, होम रेमेडीज, मेकअप ट्यूटोरियल, आई मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप टेक्निक्स, हेयर स्टाइल सभी वीडियो अवेलेबल है इस चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। क्यूटिकल क्लीनिंग के बाद नेल को शेप किया जा रहा है। नेल बड़ा नहीं है तो इसलिए नेल शेपर से नेल को शेप किया जा रहा है। अगर नेल कट करना रहेगा तो पहले नेल कट करेंगे, उसके बाद नेल शेप करेंगे। हर इंसान का अलग अलग नेल का स्ट्रक्चर रहता है, यानी नेल का अलग अलग शेप रहता है। आपको उसी हिसाब से आपका नेल शेप करना रहेगा। कितने प्रकार का नेल शेप होता है उस टॉपिक में मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्यूटिकल कटर से अब एक्स्ट्रा जो क्यूटिकल है उसको कट कर लेंगे। क्यूटिकल कटर भी आपको पार्लर शॉप में मिल जाएगा। क्यूटिकल कट के टाइम ध्यान रखना चाहिए कि स्किन में चोट ना लगे, क्योंकि इससे स्किन कट जाता है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है ये काम। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नेल है जो कट हो रहा है। एक्स्ट्रा नेल रहेगा तो आपको कट कर लेना है, फिर उसको शेप कर लेना है। नेल शेप करने के बाद आप बफर यूज करेंगे। ये है नेल बफर, ये भी आपको पार्लर शॉप में मिल जाएगा। बफर यूज करने से नेल में एक अलग ही शाइन आता है जो वो नेचुरल लगता है और नेल को स्मूथ भी करता है। सबसे लास्ट स्टेप में नेल बफर यूज किया जाता है। आप देखे होंगे किसी किसी का नेल में शाइन करता है, वो जो शाइन है वो नेल बफर से आता है। नेल बफर यूज करने से नेल में अलग ही चमक आता है। कोई कोई नेल बफर 4 स्टेप का होता है, ये जो नेल बफर है ये 2 स्टेप का है। यानी इस बफर का दोनों साइड से ही आपको बफर करना है, यानी दोनों साइड से ही आपको नेल के ऊपर रब करना रहेगा। नेल बफर आप कॉस्टली वाला ही हमेशा लीजिएगा, क्योंकि कॉस्टली वाला में एक अलग शाइन होता है, जो लोएस्ट प्राइस रहता है वो उतना अच्छा नहीं होता है।
अब कॉटन में मैंने ऑलिव ऑयल लिए हैं, आप क्यूटिकल ऑयल भी ले सकते हैं। क्यूटिकल ऑयल बेटर होता है नेल के लिए, अगर नहीं है तो आप ऑलिव या फिर आमंड ऑयल भी ले सकते हैं। अब फिंगर्स से मसाज करेंगे नेल में। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन प्रेशर। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, देन प्रेशर। और लास्ट में क्यूटिकल साफ कर लेंगे, नेल का नीचे का हिस्सा या फिर आसपास में जो क्यूटिकल है उसको अच्छे से साफ कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, आपका लाइक एंड कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आज का वीडियो इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।